नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल MS Digital Tech News। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आप एक CSC से रेलवे IRCTC का जो टिकट का काम है, एक एजेंट है, ID है आपके पास और टिकट का काम यदि आप करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप 5,000 का जो पेनाल्टी है उससे बच सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको 5,000 का जो पेनाल्टी है, 5,000 या उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, उसमें जो पेनाल्टी आपको लगेगी वो पेनाल्टी से यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए, यदि आप एक टिकट बनाते हैं एजेंट आईडी से, CSC की आईडी हो या आपके पास कोई अदर आईडी भी हो, हम अभी फिलहाल CSC के लिए बता रहे हैं, यदि आपके पास और अदर किसी कंपनी का IRCTC की एजेंट आईडी है तो उसके लिए भी इसी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले देखेंगे कि आपको क्या करना है। जब भी आप किसी का टिकट बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, अभी जिस भी कस्टमर का आप टिकट बना रहे हैं तो ग्राहक का जो लेन देन है वो उसकी पूर्ण सहमति से करना चाहिए। यहाँ पर पहला दिखाया गया कि सुनिश्चित करें कि लेन देन ग्राहक की पूर्ण सहमति से किया गया हो। ऐसा नहीं है कि यदि आपका स्लीपर क्लास में टिकट है और आप AC का कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि कस्टमर आपसे बोल रहा है कि हमको स्लीपर का चाहिए तो आप स्लीपर का दें, थर्ड AC, सेकेंड AC, जो भी उनकी डिमांड है उस हिसाब से आपको टिकट बनाना है। सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या करना है, जब भी आप टिकट बनाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राहक के लिखित इलेक्ट्रॉनिक अनुरोध को बनाए रखें और 6 महीने की अवधि के लिए CSC केंद्र में बुकिंग और रद्दीकरण दोनों के लिए ग्राहक से ID प्रमाण की एक प्रति भी रखें। मतलब आपको क्या करना है, आपसे आप जिसकी भी आप टिकट बनाते हैं, जिस भी कस्टमर की, उनसे आप उनका एक ID प्रूफ आपको लेना है टिकट बनाते समय, और उसे 6 महीने तक आपको अपने पास रखना है ताकि जब यदि आप किसी का या तो कैंसिलेशन कर रहे हैं तो कैंसिलेशन के समय भी, जब आप टिकट कैंसिलेशन करते हैं उस समय भी उनका एक ID लेकर के रखना है, और उनके से एक लिखित अनुरोध यदि आप ले सकते हैं तो लिखित ले लें आप। यदि लिखित नहीं लेना ले सकते हैं तो उनका एक ID कार्ड आप ज़रूर रखें, ये आपको ध्यान रखना है ताकि ये कन्फर्म हो सके कि उनका जो टिकट आपने यदि कैंसिल किया है तो ये उनकी अनुमति से किया है, आपने अपने अनुमति से, खुद अपने मर्जी से उसे कैंसिल नहीं किया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि आप ये दोनों चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप उसी के उल्लंघन में मामले में रुपए पेनाल्टी 5,000 प्लस माइनस, मतलब 5,000 से कम भी या 5,000 से ज़्यादा भी आपको प्रत्येक मामले पर IRCTC द्वारा जुर्माना जो है उल्लंघन का लगाया जा सकता है, पेनाल्टी लगाई जा सकती है। ये दो चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी तीसरी और भी चीज़ें हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपको क्या करना है कि जब आप बुकिंग करते हैं तो उस समय आपने देखा होगा नीचे मोबाइल नंबर डालने का एक ऑप्शन आता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं अपना ही मोबाइल नंबर डाल देते हैं, तो वैसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल करना है, वहाँ से आपको आपके नंबर को हटाना है और उनका नंबर फिल कर देना है ताकि आपका जो भी बुकिंग कर रहे हैं आप उनका डिटेल उनके मोबाइल नंबर पर ही जाए। ये तो हो गया तीसरा। चौथा आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ग्राहक का जो अंतिम टिकट होता है उसका प्रिंटआउट आपको अवश्य देना है। वैसे तो आप देते ही हैं, ज़्यादातर यदि मोबाइल में दे देते हैं आप, मोबाइल में पहुँच जाती है तो आप ये टिकट का प्रिंट नहीं देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है टिकट का प्रिंट भी उन्हें देना है। चौथा, यदि आप यदि किसी टिकट को रद्द कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो कैंसिलेशन बिना उनकी अनुमति के आपको नहीं करना है। अनुमति का मतलब है कि आपको उनका एक ID प्रूफ लेकर रखना है कि हाँ भाई, इन्होंने हमें कैंसिल करने के लिए कहा था, इनकी ID हमारे पास है, या आप एक उनसे लिखित अनुरोध भी ले सकते हैं, एक पेपर में लिखवा लें आप उनसे कि हाँ, हम इस PNR कोड का ये जो टिकट है यहाँ से यहाँ तक का है, इसे हम रद्द करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखिए, आपको जब आप TD और TDR का जो अनुरोध करते हैं उसके लिए भी आपको एक लिखित अनुरोध कस्टमर से लेना होगा। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इनके लिए भी आपको ±5,000 रुपये का जो प्रति पर केस, मतलब यदि एक व्यक्ति का कंप्लेंट होता है तो उस पर एक में दूसरा होता है दूसरा, ऐसे जितने भी आपकी कंप्लेंट होंगी उस पर आपको पर ट्रांजेक्शन का ±5,000 से कम ज़्यादा जो भी है वो आपको पेनाल्टी चार्जेस लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा क्या चीज़ आपको करना है। सबसे पहली चीज़, यदि आप इनमें से ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, आप उनसे ID नहीं लेते हैं, उनका मोबाइल नंबर नहीं फिल करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। साफ साफ लिखाया दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ, तो ध्यान रखिएगा अब से आप जब भी टिकट बनाएं तो इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला हम एक वीडियो और ला रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे किन चीज़ों का ध्यान आपको और भी रखना है कि आपको क्या नहीं करना है। ये तो हो गया कि आपको क्या करना है,
अभी आपको क्या नहीं करना है वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो और जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ।